जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। भाई इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैंडी में, जो कि श्रीलंका में है। और कैंडी वही शहर है जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का भी मैच हुआ, जो आपने देखा, जो बारिश की नजर हो गया और एक एक पॉइंट्स मिल गए। सो अभी भी बारिश हो रही है यहाँ पे और बड़ा ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, क्योंकि ये जब मैच था उस वक्त ये बुरा लग रहा था मौसम, आज ये मौसम अच्छा लग रहा है। फिलहाल मैं ये कह रहा था कि यार, मैं चूंकि आया हुआ था कैंडी, थोड़ा सा टाइम का इशू था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को नाश्ता दिखाया जाए, जो होटल का नाश्ता होता है कैंडी के। तो जिस होटल में मैं ठहरा हूँ, तो इस होटल का भी टाइम देखा जाए 15 मिनट बचा हुआ है नाश्ते का, तो क्यों ना नाश्ता करते हैं, दिखाते हैं कि भाई इनके नाश्ते में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। चलो चलते भैया, इनके रेस्टोरेंट आ चुका हूँ, ब्रिक्स रेस्टोरेंट, जहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट है। और एक चीज़ नोटिस करने वाली है, खासकर ये जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड, मलेशिया, ये तो खाली शीशे लगा देते हैं और पीछे से खुद ब खुद जो नेचुरल ब्यूटी ना वो नज़र आ जाती है, तो इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पीछे देखिए इतना खूबसूरत मंज़र है। तो भाई चलते हैं, अभी नाश्ता करते हैं, क्योंकि इसके बाद हमने अभी निकलना है टूर के लिए भी, सिटी टूर भी है साथ में, इसके बाद दूसरे शहर जाना हमने। सो आज चैलेंजिंग है, तो नाश्ता करते हैं उसके बाद चलो। भाई प्लेट उठा लिया, अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे सांभर भी मौजूद है, इडली भी मौजूद है, भाजी भी मौजूद है, मतलब काफ़ी सारी डिशेज सिमिलर हैं जो हमने सुनी है साउथ इंडिया और इंडियन भी रेस्टोरेंट में अगर कहीं जाते हैं तो यही चीज़, मतलब वही कम्युनिटी तो ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि ज़्यादातर तमिल लोग भी यहाँ पर रहते हैं, तो जो तमिलनाडु साउथ इंडियन जो डिशेज हैं वो यहाँ पर भी यूज़ होती हैं, मतलब यहाँ पर भी खाई जाती हैं, तो वो तो मैं नहीं खाऊँगा, मैं ज़रा देखता हूँ और क्या क्या चीज़ें। भैया सिलबट्टे पे पिसा हुआ नारियल में लेने जा रहा हूँ खाली चखने के लिए। यार ये जो नारियल है ना, ये सिलबट्टे पे पिसा हुआ, इसका नाम है रेड कोकोनट सांबल। ये थोड़ा सा लूँगा खाली ट्राई करने के लिए कि कैसा है। बाकी पिकल्स भी हैं यहाँ पे, चिकन कभी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। सुबह ही सुबह मैं फ़िश कभी खाई नहीं, अगर अभी मैं ये फ़िश कड़ी ट्राई करके देखूँगा कैसी है, बस ज़्यादा नहीं लूँगा। बाकी ये दाल है, यहाँ पर चना है, भाई ये एग होबस है जो कि उसमें बना रहे हैं, तो ये मैं एक सोच रहा हूँ ट्राई करके देखा। कैन हैव वन, चटनी है इसकी, कोकोनट, कोकोनट की बहुत इच्छा हूँ यहाँ। यार मैं सोच रहा हूँ मशरूम्स भी ले लूँ, कुछ गार्डन मशरूम नज़र आएंगे। ओह पहली दफ़ा मशरूम्स को इस तरह कटिंग में देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है चिकन है, ये गार्लिक मशरूम दिखा हुआ है। ये ब्रेड तो पहले उठा लूँ, किसके साथ खाऊँगा। देखो सबसे अच्छी चीज़ ये है, श्रीलंका हो, थाईलैंड हो, मलेशिया हो, यहाँ पर एक चीज़ बड़ी मिलती है, वो है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल फ्रेश मिलेगा भाई यहाँ पर, आपका भाई ज़रा पाइनएप्पल उठा ले। और ये पपीता है भाई, जो आपका पेट को सही रखेगा। और कुछ चाहिए नहीं, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है भैया। सबसे पहले मैं ये ट्राई करने लगा हूँ, क्योंकि ये बड़ा टेम्पटिंग लग रहा है। इसको मेरे ख्याल से खाने का तरीका ये है, क्योंकि मैंने एक जगह देखा था, और उसको यूँ फोल्ड करेंगे ये, क्योंकि ये पापड़ जैसा है, और इसको मैं यार एग का टेस्ट ज़्यादा आ रहा है, जो सॉस है ना इसमें, इसको थोड़ा सा लगाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भाई स्पाइसेस बड़ी यूज़ होती हैं और सॉसेस कभी कभार हम अंडर एस्टिमेट करके खा लेते हैं, मगर बहुत मिर्ची लगती है। अभी सॉस के साथ खा रहा हूँ ना, तो मज़ा आ रहा है। यार चटनियों का गेम जो है ना यहाँ पे ऑन है। यार ये ब्रेड में कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है, ये हर जगह आपको मिलती है, मगर यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कड़क है, खाली सॉफ्ट नहीं है। ये चिकन कड़ी अब देखते हैं ज़रा, यह कड़ी तो मज़ेदार है, सेट है यार।
रैंडम मैंने चूज़ किया था और अच्छा जायकेदार खाना है। और ये इसमें मैंने ये रेड वाला जो कोकोनट है ना ये लगाया। वह तो बड़ा स्पाइसी है भाई, ये जो रेड वाला है रेड कोकोनट बहुत स्पाइसी है। खाना में मजाका बहुत है, आई मीन जो मसाले जिस तरह के यूज़ हुए हैं। तो अबे इस ब्रेड के अंदर तो कुछ निकला, ये तो मैंने ब्रेड समझ के खा ली थी। आलू है और कैरेट है, थोड़ा सा मसाला लगाएं। ये कोकोनट को मैं मसाले के तौर पर यूज़ करूँ। मज़ेदार ओवरऑल जो नाश्ता है ना चटपटा है, जो मैंने चूज़ किया है कॉन्टिनेंटल भी था बट जो इनका थोड़ा सा जो ट्रेडिशनल था ना वो मैंने ट्राई किया, जिसमें चटनी है जो है बड़ी, कोकोनट का जो मैश है वो बड़ा स्पाइसी है, चटपटा है। फ़िश कड़ी बड़ी ज़बरदस्त थी, मैंने चूँकि एक्सपेरिमेंट के तौर पर थोड़ी सी ली थी बट अब मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे और भी लेनी चाहिए थी। तो ओवरऑल नाश्ते का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा है, बट थोड़ा सा इशू होता है जब आपको देखना पड़ता है क्या हलाल है क्या हराम है, क्योंकि एक कॉर्नर पर कोर्स और दूसरी चीज़ें भी रखी हुई थी। जाहिर सी बात है उस पर लेबल लगा हुआ होता तो आप देखते उठाते बट हम लोग नहीं खाते। तो ओवरऑल जो ब्रेकफास्ट का एक्सपीरियंस है बड़ा ज़बरदस्त है, मुझे तो मज़ा आया, आई होप के आप लोग को भी देखने का मज़ा आया होगा। यार जो लोग नेचर से मोहब्बत करते हैं ना नेचर भी उनसे मोहब्बत करती है। देखो ये कुदरत ने यहाँ भी अल्लाह ताला ने इनको हुस्न दिया हुआ है, इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। दरख्त देखो, हरियाली देखो, कितना खूबसूरत है यार। और हम लोग क्या है कि शहरों में दरख्त काटते हैं और उसकी जगह भी कोई प्रॉपर्टी बना देते हैं, उसको रेंट पे चढ़ा देते हैं या बेच देते हैं। भैया दरख्त लगाओ, छतों पे लगा लो, भले आप कमरा नहीं तोड़ सकते, अपने आप घर नहीं तोड़ सकते, छतों पे लगा लो, हरियाली करो और यही आपके जो है ना पॉल्यूशन को ख़त्म करेगी। यार मेरे अंदर एक चीज़ एक पता नहीं क्या है, मैं हर दफ़ा का एक चीज़ मैं भूल जाता हूँ, वो ये कि जिस भी होटल में रहता हूँ वहाँ का कभी पूल यूज़ नहीं करता। यार इतना प्यारा पूल है, देखो इन्फिनिटी पूल दिया हुआ है ये, और हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है यहाँ पे कैंडी में। क्या मज़ा आ रहा है यार और क्या खूबसूरत है। आप थोड़ी देर रहो, कितने रिलैक्स हो जाओगे, मतलब स्ट्रेस ऐसे निकल के जाएगा। खैर मैंने सोचा कि भाई ये छोटा सा एक ब्लॉग बनाऊं ब्रेकफास्ट का, सो आई होप कि आपको भी मज़ा आया होगा। कोशिश करूँगा कि अभी जितने दिन यहाँ पे हूँ कुछ ना कुछ छोटे मोटे ब्लॉग्स बनाऊँ ताकि आप लोग देखें, और अगर किसी को आना हो वो भी आए, थोड़ी सी गाइड भी हो जाता है ये आप लोगों के लिए। और बड़ी अच्छी जगह है श्रीलंका भाई, ये सेल्फ पेड ट्रिप है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट फिर भी जब आप आते हैं किसी चीज़ कोई अच्छी लगती है तो उसको आप प्रमोट करते हैं, तो अच्छी जगह है। हाँ इकोनॉमी के कुछ मसले हैं बट ओवरऑल आप जब सड़कों पे निकले आप जब देखें लोगों का बिहेवियर तो ऐसा नहीं लगता कि यार ये कौम अभी डिफ़ॉल्ट से होके गुजरी है। सो आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। चले टिल देन कोशिश करूँगा और भी आपको अपडेट करूँ। अल्लाह हाफ़िज़।